What is the minimum pressure required to force blood from heart to the top of the head? अब हमारी बॉडी के अंदर ये हार्ट है और ये हेड है. अब प्रॉब्लम ये है कि जो हार्ट है उसे ना हेड तक ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी भेजना है. देखो एक मशीन है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी, नेचर के अगेंस्ट कैसे भेजेगी? वर्कडन करना पड़ता है हार्ट को भी, तो वर्कडन करना पड़ेगा और प्रेशर हेड इंक्रीज करना पड़ेगा. तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर वो कह रहे कितना लगेगा, क्या लगेगा? एच रोजी लगेगा. इसमें ना डेंसिटी जो गिवन है ब्लड की 1.04 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है. प्लीज ये गलत है मीटर क्यूब, क्योंकि पानी की डेंसिटी सीजीएस में 1 होती है, तो पानी के आसपास ही होनी चाहिए ब्लड की भी. ब्लड भी तो पानी जैसा ही है, रंग वो है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है. तो ये डेंसिटी है, ठीक है, करेक्शन कर लेना. तो प्रेशर की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, हाइट कितना है दोनों के बीच में, कितनी, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहने देते हैं. डेंसिटी सीजीएस में 1.04 रहने देते हैं, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी की जगह क्या लेते हैं, 980. तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका जो प्रेशर है वो डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं. आंसर, पहला आंसर क्लियर है? मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? अब कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको ऐसे गिवन होगा कि ये आंसर गिवन होगा 38 mm ऑफ मरकरी. भाई ये मरकरी कहां से आ गई, बॉडी में कौन सी मरकरी है? है मरकरी, ब्लड में मरकरी होती है? सोच भी मत लेना. जहर है वो बॉडी के लिए. मरकरी तो आप टच भी नहीं कर सकते, आप टच भी करते तो भागती जाती है हाथ से, ऐसा लिक्विड है वो, टूट जाएगी पर आपके हाथ में नहीं आती जल्दी जल्दी, तो मरकरी नहीं है. अब फिर मरकरी कैसे हुआ? देखो डॉक्टर के पास जाते हो, वो ब्लड प्रेशर मेजर करता है, मशीन लगाता है, फिर वो पंप करता है, और फिर एक ट्यूब लेके बैठता है, वो ट्यूब में ना ऐसे मरकरी का लेवल कर रहा होता है, फिर बताता है कि इतने जो उसमें ना रीडिंग लिखी होती है 120 140, बोलता है 120 है आपका ब्लड प्रेशर. तो बेसिकली वो हाइट मेजर करते हैं, तो हाइट कितनी है वो आपका ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है. अब डॉक्टर अच्छा लगता ना बोलता हुआ कि भाई तुम्हारा जो प्रेशर है ना वो मुझे लगता है 1 HRG 120 हाइट आ रही है मरकरी की, 120 इंटू डेंसिटी मरकरी 13.6 इंटू 980. वो कहेगा भाई फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि गोली दे रहे हो डॉक्टर, कर क्या रहे हो? तो वो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू तो अच्छा लगता है, बोला डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, भाई तुम्हारा ब्लड प्रेशर है 50960 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. यार वो डॉक्टर ही करेगा यार, तुम्हारा क्या फिजिक्स करेगा, नहीं करेगा. तो उसकी एक ईजी लैंग्वेज चाहिए. ईजी लैंग्वेज क्या है? हाइट बता देगा, 120 100, बस हाइट है. तो वो हाइट कैसे करेगा? मशीन लगाएगा, ब्लड का प्रेशर उस मरकरी को पुश करेगा, मरकरी ऊपर उठ जाएगी. तो मरकरी जो उठी उसको प्रेशर, मरकरी के लिए प्रेशर उसको कहां से मिला? ब्लड प्रेशर का मिला. मरकरी ने हाइट अटेन कर ली तो मरकरी के लिए प्रेशर डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया? HRG फॉर मरकरी. तो मरकरी ने हाइट अलग अटेन कर लेनी है, ब्लड ने अलग की थी, मरकरी ने अलग की, तो प्रेशर यही यूज करेंगे 50 × 1.04 इंटू 980 इज हाइट ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 होती है इंटू 980. यहां से जो हाइट आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, कितने सेंटीमीटर मरकरी अपना लेवल इंक्रीज करेगी अगर इतना प्रेशर ब्लड का मरकरी को मिल गया. ये ऑप्शनल है भाई, आप यहां तक छोड़ देंगे सफिशियंट है. आपको इसमें प्रेशर डिफरेंस पूछा, निकल गया. पर मैं इसलिए आंसर दे रहा हूं कि कल को एक ऑब्जेक्टिव आ जाए और उसमें मरकरी आ जाए, आप सोचो ये मरकरी बीच में कैसे आ गई, तो ये प्रेशर डिफरेंस HRG पर मरकरी लगा के H आएगा. समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इसको सॉल्व करना है? नहीं पूछा तो मत करो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया हाइट ऑफ मरकरी तो ऐसे निकलेगी. ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें?
तो आपका नीट और मेंस का सिलेबस डिडक्ट हुआ है, नीट वालों का वो पोर्शन डिडक्ट किया गया है जो बहुत ज़बरदस्त प्लस टू में मैथमेटिकल था, अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री और उसमें पूरी साइन कॉस दबा के यूज होती थी, उन्होंने उड़ा दिया। तो इन शॉर्ट अगर आप ये बोलो कि सिलेबस कितना कम हुआ, सिलेबस कम हुआ कि अगर मैं 2 साल के कोर्स की बात करूं, 1 महीना जल्दी सिलेबस खत्म होगा नीट का, 1 महीने का कोर्स उड़ा है, 1 महीना बहुत होता है, सोचो पूरा रोटेशनल उड़ गया, उसके साथ एक और रोटेशनल उड़ गया, इतना 1 महीने का कोर्स कम हुआ है। मेंस वालों का भी कम से कम 20-25 दिन का सिलेबस कम हुआ है, तो मतलब जो सिलेबस 15 या 20 दिसंबर को खत्म होना था प्लस टू का, अभी वो 1 दिसंबर को खत्म होगा। तो एंड के यूनिट उड़ा दिए उन्होंने, और कुछ गंदे टॉपिक उड़ाए हैं इसमें कोई शक नहीं, जो होते नहीं थे हैंडल, आउट ऑफ स्कोप थे वो फिजिक्स के, तो वो उन्होंने हटा दिए। तो कहीं ना कहीं चलो एक एडवांटेज रहेगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें उड़ाई हैं जो थोड़ा स्टूडेंट को ट्रिकी भी लगती थी वो उड़ाई हैं, तो बेसिक रखी हुई हैं, तो आपका पेपर बेसिक ही आएगा। आप दबा के अच्छी तैयारी करो, आपका बेस सही रखो आप, और पुराने पेपर करते जाओ प्लीज़। पुराने पेपर भी आपने 80% कर दिए साथ साथ, और अपना बेसिक्स भी सही कर लिए, आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी। दूसरी, आज आप न्यूज़ तो नहीं पढ़ते होंगे, प्लस वन प्लस टू का बच्चा न्यूज़ कम ही पढ़ता है, और हिंदी का अखबार तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता होगा। तो मैं आज न्यूज़ पेपर पढ़ ही रहा था, मैं पैक के अंदर 80 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है, 80 लाख रुपये आज से 4 साल बाद आपको कोई लेटर दे तो कितने मज़े आए। 80 लाख लास्ट ईयर 45 था, इस बार 80 का टच कर गया। एवरेज पैकेज भी 10-10, 12-12 लाख रुपये से स्टार्ट चल रहे हैं। मैं आपको फोटो आज भेज दूंगा, उसमें उसकी भेजता हूँ, शायद मोटिवेशन मिले कि नहीं यार कुछ तो अच्छा ही होगा जो होगा। चलो सबको तो नहीं मिला होगा, बट ये है कि स्कोप तो है, कि कोई तो होगा, कोई 80 पे होगा, कोई 40 पे होगा, कोई 50 पे होगा, कुछ तो करेगा। पढ़ लो, ठीक है, पढ़ाई से ही होगा, ये सब कॉन्सेप्ट सीख के ही होंगे, सब वहाँ ऐसे ही पहुँचे हुए हैं। कोई वहाँ वो लाला जी की दुकान नहीं है जिनको फ़ोन किया भाई जरा देना जरा एंट्री, वो कहेंगे हाँ ले 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 भैया, ले पैसे पकड़ उठा, कोई ऐसा नहीं है भैया, सबने कॉम्पिटिशन लड़के ही वहाँ पहुँचे हुए हैं, कोई फ्री में नहीं पहुँचा। करो, हर ने फाइट की है।
कॉलम ऑफ वाटर 40 सेंटीमीटर हाई तो सपोर्ट 30 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ अननोन लिक्विड, मतलब एक तरफ वाटर है, एक कॉलम, कॉलम ही होता है वर्टिकल कॉलम, और इसमें क्या है, वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर कितने सेंटीमीटर हाई है, 40 सेंटीमीटर हाई। इसने क्या किया, इसने एक और लिक्विड को सपोर्ट किया हुआ है और वो लिक्विड अननोन लिक्विड है और कितनी हाइट पर है, 30 सेंटीमीटर हाइट पे है। तो यहां पर क्या है, यहां पर वाटर है, यहां पर कोई और लिक्विड है। अब मेरे को ये पता है कि अगर वाटर ने इसको सपोर्ट किया हुआ है तो वाटर का दिया हुआ प्रेशर इस लिक्विड को मिला हुआ है, तो वाटर का प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर इसका मतलब बराबर है। प्रेशर वाटर का क्या है, 40 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, लिक्विड का क्या है, 30 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब आपको वाटर की डेंसिटी सीजीएस में पता है कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से क्या जाएगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगी सीजीएस में। ऐसे में करना है तो कर लेना, नहीं तो सीजीएस में छोड़ देना, तो भी क्या है, समझ में आ रहा है यहां तक, मेथड क्लियर है, एचरोजी का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट इसमें, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है If the water pressure gauge, pressure gauge, pressure difference होता है, pressure difference shows a pressure at a ground to be 270 kilopascal, 270 into 10 की power 3 pascal, how high would water rise into the pipe of the building? भाई जमीन पे इतना pressure लगाओगे पानी के ऊपर, पानी क्या height attain करेगा? This pressure must be equal to h rho g. वाटर का, वाटर की डेंसिटी क्या है एसआई में, 1000, तो यहां से जी कितना है, 9.8 या 10 पुट कर लेना, हाइट निकाल लेना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, ठीक, क्योंकि किलो पास्कल है ना, ये पास्कल को कौन चेंज करे डाइन्स में, इसलिए ऐसे ले लिया। तुम ले लो सीजीएस कोई बात नहीं, तुम किलो पास्कल को फिर डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन को भी चेंज करो डाइन में, मीटर स्क्वायर को भी चेंज करो, क्या जरूरत पड़ी है यार, ये ठीक है, पानी की डेंसिटी चेंज कर दो, 1000 कर दो, ज्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल जार ऑफ क्रॉस सेक्शन इज फिल्ड विद अ वाटर, चलो एक सिलेंडर बनाते हैं, ये सिलेंड्रिकल जार है, ये सिलेंड्रिकल जार का जो एरिया है
एरिया ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। हाइट कितनी है इसमें वाटर की, पानी की जो हाइट है इसमें वो है 20 सेंटीमीटर है। ध्यान से यार, आधा काम। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में चल रहा है, जरूरत ही नहीं है। इट कैरीज अ टाइट पिस्टन, इसके ऊपर एक टाइट पिस्टन है। तो ये एक पिस्टन है, ये रहा। इस पिस्टन के ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास क्या है, 1 kg मास है, पिस्टन के ऊपर मास है, ठीक है। आपको बताना है कैलकुलेट प्रेशर एट द बॉटम, बॉटम पे प्रेशर क्या लगेगा ये बताओ, ये क्वेश्चन है। अच्छा बस ये बता दो, अगर ये पिस्टन, और ये पिस्टन का तो कोई मास नहीं है, ब्लॉक का मास है, अगर ये कुछ ना होता ऊपर, सिर्फ पानी पानी होता, तो प्रेशर क्या होता बॉटम पे? एच रो जी, प्रेशर नीचे की तरफ, पानी पानी का क्या होता है, एच रो जी, है ना। एटमोसफेयर को छोड़ देने, लिक्विड के प्रेशर की बात हो रही है तो एच रो जी, पर यहां प्रेशर एच रो जी से ज्यादा आएगा क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, 1 kg का मास भी है, तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करूं, एम जी, 1 × g, वो तो फोर्स होती है, बिल्कुल ठीक, 1 × g फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। वेट, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर, तो इतना एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर दें, एच रो जी तो था ही था, वेट फोर्स अपॉन एरिया ऐड कर दें, सब कुछ सीजीएस में रखते हैं, 20 डेंसिटी ऑफ वाटर, 1 g की जगह 980, 1 × 980 डिवाइडेड बाय 50, सॉल्व कर लेना, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, डन, आंसर। तो कह रहे हैं सर कभी ऐसा है, कभी सीजीएस कर रहे हो, यार देख मैक्सिमम वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो सेंट, मैं क्यों चेंज करूं उसको मीटर, फिर इसको मीटर, छोड़ यार, जी को 980 पुट कर दे और डेंसिटी को 1 ही पुट कर दे, आंसर सीजीएस में चलने दे, सिंपल है यार, है ना। जरूरत पड़ेगी एंड में, तो एंड में चेंज कर लेंगे जरूरत पड़ेगी, नहीं तो जरूरत क्या है, ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है, फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया।